सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हमारा दिन जो शुरू होता है वो रहान गाजी को प्यारे से अपने बेबी को सोते हुए दिखा के होता है। मुस्तफ़ा गाजी अपना खाना खा रहे थे और रहान गाजी सो रहे थे, और बस रहान गाजी फिर उठे और रहान गाजी रेडी हो गए थे। उसके बाद शाम के 6:30 बज गए थे और रहान गाजी की टीचर आ गई थी उनको पढ़ाने के लिए। तो रहान गाजी चाय बनाने यहाँ बड़ी कह रहे थे मैं नहीं जाऊँगा, आ जाऊँगी तो केक वेक है। आ गए थे हमारे, अब वही ना हो रहान ही ना पीछे लग जाए। ऊपर भेजा अपने नहीं नहीं जा, और रहान गाजी ने मुझे केक कॉट कर लिया कि मम्मा शायद मुझे ये किसने बनाया है। यहाँ में बहाने से रहान गाजी के स्टडी रूम में आ गए, विच कॉलेज इज दिस रूममेट दिस। रहान गाजी मेरे साथ तकनियाँ कर रहे थे फन वे में, थे बड़े फन लविंग बेबी मेरे हुए हुए थे, सबको टिशू टिशू कर रहे थे। और बस इनको किसी तरह बहाना बना के मैंने अंदर किया और भाग के मैं किफ़ाया आ गई। मेरे भाई की शादी हुई थी, उसकी शादी की दावत करनी थी, तो बस वो दावत व्लॉग भी हम बना रहे थे। तो बस हमने सारी चीज़ें ली दावत में, जो हमारी प्रेपरेशन होनी थी, जो मैंने डिज़र्ट बनाया ना था, जो भी चीज़ें मुझे करनी थी, तो तमाम चीज़ें मैंने ले ली थी। बिरयानी वगैरह सब बनाना था मैंने, तो उसके लिए जो स्पेशल इंग्रेडिएंट थे वो ले लिए थे। रशियन सैलड बनाना था उसका सामान ले लिया था सारी चीज़ें, और ब्रेड क्रम्स भी चाहिए थे। बस मुझे जेलीज भी चाहिए थी, जूसेस भी चाहिए थे। तो मेरा बड़ा होता है कि अगर कोई आपके घर में आए तो आप उसे बड़ा स्पेशल और बड़ा ऑनर्ड फील करवाएं, कि उसको फ़ील हो कि आप कोई रिगार्ड उसको करते हैं। तो बस इस हिसाब में कोशिश करते हैं कि अपने से सबको अल्लाह ताला सबको इज्जत दे। सब अपने घर में बहुत अच्छा खाते पीते पहनते ओढ़ते हैं, लेकिन एक इंसान होता है कि जब आप किसी के घर में जाते हैं या कोई आपके पास आता है तो आप उसको थोड़ा एक रिगार्ड देते हैं, ऑनर करते हैं, उसे अच्छा फील होता है। बस यहाँ से वेजिटेबल्स भी बाय कर ली थी, जो भी अपनी कोई कबाब शबाब बनाने थे, चाइनीज़ बनाना था, चाउमिन बनानी थी, तो वो कर ली थी। और लाला का एक कलर मैं फाइंड कर रही थी, वो मुझे मिला नहीं था, लेकिन ये है कि मैंने हेयर डाई करवाया था तो मुझे ब्लू वॉश करना था शैम्पू में मिला के, तो मुझे मेरा ब्लू कलर मिल गया था फ्रॉम एसी का, वो ले लिया था। मेरा बच्चा थोड़ा सा माशाल्लाह से ग्रो अप कर गया है, तो मेरी कोशिश होती है उसकी थोड़ी स्टडी से रिलेटेड भी चीज़ें ले लूँ, तो मैंने उसके लिए एनिमल्स भी ले लिए थे। तो वो बस उसमें उसको कलर्स भी लर्न करना सिखाना था, डायनासोर्स ले लिए थे उसके लिए मैंने। और बस यहाँ पर फिर मैं बिल करवा रही थी अपनी चीज़ें, एग्स वगैरह भी ले लिए थे, एग ख़त्म हो गए थे नाश्ते के लिए, तो मैंने कहा चलो यहीं से ले लेते हैं। कुछ 18,000 का बिल बना था, और बस रहमत अंकल ने गाड़ी में सामान वगैरह रख दिया था। और ये बच्चा हंस रहा था, ये जब भी मैं आती हूँ तो ये बोलता है बाजी चाय के पैसे दे के जाएँ, तो मैंने कहा नहीं बेटा आज तो मैं तुमसे चाय के पैसे लेके जाऊँगी, तो हंस रहा था। बहरहाल इनका कलर मुझे मिला नहीं था, तो फिर मैं फ़ाइनल चॉइस आ गई थी, मुझे यहाँ से इनका कलर मिल गया था और एक नेल क्लिपर भी मिल गया था, ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। लेकिन बहरहाल इसका फीडबैक जो है मेरे पास से ज़ीरो है। उसकी वजह यह है कि जी इसका मतलब नेल कट करते हुए रहान गाजी की स्किन कट हो गई थी, और मैं यहाँ रहमत अंकल का वेट कर रही थी। रहमत अंकल आए, उनके साथ भागी दौड़ी भी आ गई थी, भूख का ये आलम था, 8:30 बज रहे थे, खाना मैंने बनाया नहीं था, तैयारी करनी थी, तो बस बाहर से आते हुए बर्गर लेके आई। तो ये मेरे जो जानू हैं अपनी बाहें खोल के शाहरुख खान की तरह मुझे वार्म वेलकम किया, मुझे पप्पा दिया मेरे बेटे ने, और बस ये अपने स्पैचुला में अपने टॉयज से लगे हुए होते हैं, बीच टॉयज से खेल रहे होते हैं, और बस ये अपने स्पैचुला में पानी फुल कर रहे थे, गिरा रहे। तो ये जो मेरा शाहरुख खान है दूसरे वाला, ये भी लगा हुआ था, खेल रहा था बड़े मज़े से, और बस रहान गाजी मुझे पीकअबू कर रहे थे। फिर मैं आके बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो टाइम है बच्चों के साथ गुजार लूँ, खाना भी खा लूँ। अनाविया भी आई हुई थी, पिछली की तरह इधर उधर उछल रही थी और रहान गाजी के साथ खेल रहे थे। और ये मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था कि जो फ़ोन का टॉय है ये मैं अपने बेटे के लिए लाई थी, मुस्तफ़ा के लिए, लेकिन रहान गाजी जो है उनका ताल्लुक कब्ज़ा ग्रुप से है, तो मेरे बेटे जानू ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था और बस छीन लिया। मियाँ है, मियाँ है, और ये सारे कलर्स के नेम याद है, रेड का नाम याद नहीं था, तो सारे कलर मुझे बताया। मैंने पूछा रहान गाजी विच कलर इज दिस येलो, विच कलर इज दिस ग्रीन, विच कलर इज दिस ब्लू, जब मैंने रेड को पूछा विच कलर इज दिस, तो ये डायनासोर है। सो बस ऐसी इनकी प्यारी प्यारी बातें हैं, प्यारी प्यारी यादें हैं, चलती रहेंगी जिंदगी के साथ। और ब्राउन कलर रहान को आता नहीं है, और पर्पल को कहते हैं पर्गल, और डर भी रहे थे और उससे खेल भी रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। और बस मैं किचन में जाना था मुझे, लेकिन मैंने कहा चलो 5-10 मिनट अपने बच्चों के साथ उनसे एंजॉय करूँ। किचन में बिल्कुल मैसअप था, बस लाया था और पटक दिया था मैंने सारा सामान,
अभी ये सैलड वगैरह की तैयारी करनी थी तो सब कुछ खुला हुआ पड़ा हुआ था। शामी कबाब भी बनाने थे तो दाल वगैरह भी भिगोई हुई थी, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। चिकन के भी कबाब बनाए थे और वेजिटेबल्स डाल के चाइनीज़ स्टाइल में, और बस किचन में आ गई थी, अपनी रूटीन स्टार्ट हो गई थी हमारी। फिर जो नेक्स्ट डे था उस पर मैंने ये नेल क्लिपर को खोला। वैसे तो ये 800 का था ओरहान गाजी का नेल कट करने के लिए, लेकिन ओरहान गाजी की स्किन कट हो गई। बस मेरा दिल बड़ा दुखा हो, ये वाला जो ड्रेस है मेरा जनरेशन का, ये आज के दिन मैंने डिसाइड किया था कि कूल एंड कम्फी हो, कि मुझे काम करने में भी प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने बात ले लिया था। और बस मैं किचन में भी आ गई थी, मैंने बड़ा कुछ रेडी किया था, बड़ा ज़बरदस्त सा सब किया था अपनी तरफ से, सबको माशाल्लाह से पसंद भी बहुत आया था। मेरी सिग्नेचर बिरयानी है, मटन बिरयानी बनाई थी मैंने, और ये मैंने चिकन चाउमीन बनाया था, बहुत ही यम्मी था। और ये मैंने चाइनीज़ स्टाइल के कबाब बनाए थे, ये रेसिपी मैंने पहले भी बताई हुई आप लोगों को, बड़ा मज़ेदार मैंने कस्टर्ड ट्राइफल बनाया था। और ये मैं कुछ अपना टेबल थोड़ा सा अच्छा सा डेकोरेट करती हूँ, सर्विंग डिशेस में मैंने ये माउथ फ्रेशनर रखे हुए थे और थोड़ा सा ट्रे में ड्रिंक्स रखी हुई थी, और ये मेरा ज़बरदस्त सा बड़ा ही आला रशियन सैलड था, और मेरे गोल्डन गोल्डन बर्तन थे, और ये मेरी देगचे में बिरयानी थी जो कि आधी हो चुकी है। मेरे मियाँ ने कहा भाई तुम्हारे ख़ानदान वाले जो हैं वो टाइम पे तो आएंगे नहीं, मुझे भूख लग रही है, और मुझे निकाल के दो बॉक्स में और मेरे दोस्तों के लिए भी दो, मेरी बीवी बड़ा ज़बरदस्त खाना बनाती है। तो जी साथ साथ मेहमानों के लिए भी काउंटर पे सेट हो गया था, बुफे सिस्टम कर दिया था हमने कि डाइनिंग टेबल काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है, यहीं से ही लेंगे और वहीं पर ही खाएँगे मज़े से। और ये मेरी सारी गोल्डन डिशेस जो भी हैं, मेरे बर्तन में तमाम गुल प्लाजा सिलाई थी जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि अच्छे अच्छे डिफरेंट स्टाइल की क्रॉकरी हो, जो आपके घर आए आप उसे खाना भी अगर सर्व करें तो उसका दिल खुश हो, ये ना हो कि मैं छुपा छुपा के कोने में ठूस ठूस के अच्छी अच्छी चीज़ें रखूँ। मैं बस जो भी लाती हूँ मैं कहती हूँ मैं सामने रखूँ और जो भी गेस्ट हैं उन्हें बहुत अच्छा फील करवाऊँ। लाला जो है वो अपना खाना लेके जा चुके थे अपने फ्रेंड्स में, और मेरा सिग्नेचर रायता था, सैलड था, और ये मेरा बड़ा ही प्यारा फेवरेट ग्लास सेट है, ये मैं लाई थी बड़े प्यार से, अभी तक इसको मैंने बचा के रखा हुआ है, ख़राब हुआ नहीं है। और इतने में जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स का जो गैंग है, मेरे चाचू भी डॉक्टर हैं, मेरे ये भाई भी डॉक्टर हैं, इनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं, मेरी कज़िन भी डॉक्टर हैं, मतलब सब जो है उनको मैं छेड़ रही थी कि आज हमारे घर में डॉक्टर्स का गैंग आया हुआ है। सो हमने एहतमाम बहुत अच्छे से किया था, माशाल्लाह सबको पसंद भी बहुत आया था। तो जो आज का व्लॉग है वो बड़े दिल से और मेहनत से बनाया था, और सबको फूड भी बड़ा पसंद आया। कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि जिससे आपको भी कुछ यूनिक लगे। और दावत की थी, और मौसम जो कराची का बड़ा अच्छा हुआ हुआ था, हमारे मियाँ ने कहा थक बहुत गई हैं आपको मैं खिलाऊँ दिला के लाएँ, तो हम चले गए थे अपने मियाँ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नए व्लॉग।